नमस्कार, मैं अरविंद, मेरे साथ हैं कृपा। आज मैं आपको बताऊंगा डेमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी। ये बुज़ुर्गों में बहुत ज़्यादा होती है। आजकल तो जवान भी बुज़ुर्ग हो गए, उनमें भी भूलने लगे। वो भी कई औरतें मैंने देखा 40 साल की एज में घर में कहती हैं, यार मैंने पता नहीं ये चीज़ कहाँ रखी थी, और ढूंढती घूमती रहती हैं क्योंकि याददाश्त ही ख़त्म हो गई उनकी। याददाश्त को कैसे बनाए रखो जो डेमेंशिया ना हो? देखो, चोर आने से पहले ताला लगा लो जिससे कि चोरी ना हो। डेमेंशिया होने से पहले याददाश्त मजबूत कर लो अपनी। जिनको ब्रेन बहुत काम करता है ना, उनको ज़्यादा होता है ये। और दूसरा, ये वात रोग है। जिनके वात बहुत ज़्यादा होती है, उससे भी ब्रेन के जो सेल्स हैं ना, उन वात रोग के कारण उनके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे स्लो पड़ जाते हैं। और दूसरा, इसका सबसे बड़ा कारण है पोस्चर, बुढ़ापा। जब हम बूढ़े हो जाते हैं और बुढ़ापे में हमारा पोस्चर झुक जाता है। पोस्चर कैसे झुकता है? आप देखो, जब हम बूढ़े हो गए, हड्डियाँ बूढ़ी होगी, सख्त होगी हड्डियाँ, हमने एक्सरसाइज की नहीं, सीधे सोए नहीं, पोस्चर गंदा रखा पूरी उम्र, ब्रेन का खूब इस्तेमाल किया, उसको रिलैक्स भी नहीं किया, तो ऐसे झुक जाते हैं हम। ऐसे झुकने से क्या होता है? ब्रेन के अंदर पूरा सर्कुलेशन नहीं जाता। जहाँ पूरा सर्कुलेशन नहीं जाएगा, वहाँ ऑक्सीजन भी पूरी नहीं जाती, तो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे कम काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखी मैंने कि कई लोगों को तो ताज़ी बात याद रहती है, कल की बात याद रहेगी, पुरानी भूल जाएगा। कई डेमेंशिया ऐसे होते हैं कि 2 साल बातें, पुरानी बात तो याद है लेकिन कल क्या था वो याद नहीं रहता। कहीं ये 2 तरीके से भूलते हैं लोग, एक पुरानी बातें भूलते हैं और कुछ नई बातों को भूलते हैं, पुरानी याद रखते हैं। लेकिन कहीं ऐसा कि कभी याद आ गया, कभी भूल गया, कभी याद आ गया, ये उस तरह की बीमारी है और ये बहुत तंग करती है। और ये तंग जिसको होती है उसको कम करती है, जो घर वाले होते हैं उनको ज़्यादा तंग करती है। मैं एक आदमी के पास ट्रीटमेंट पे जाता था, वो रोज़ मुझे पूछता था आपका नाम। मैंने नाम बताया, ट्रीटमेंट किया, थोड़ी देर बाद फिर तुम्हारा नाम। तो क्योंकि उनको कब क्या याद आएगा और कब क्या भूलेंगे, ये घर वालों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो इसका पहले से ध्यान रखो। और अगर किसी हो गई तो जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, जो मैं खान पीन बताऊंगा, जो मैं मेडिटेशन बताऊंगा, वो आप ध्यान से देखो। इसके लिए गर्दन के आसपास की एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, जिससे अपर पोस्चर अच्छा हो और आपके ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन, उनके सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा ब्लड मिले। पहली एक्सरसाइज, गर्दन ऊपर ले जाओ, धीरे धीरे गर्दन ऊपर ले जाओ। देखो, बुढ़ापे में बहुत स्लो करना आपने। अगर यंग एज में भी आपको भूलने की बीमारी है तो ये करो, फिर नीचे ले आओ, इसको ज़्यादा रोकना नहीं, धीरे धीरे ऊपर ले आओ, नीचे ले आओ। 10 राउंड करने ऊपर नीचे के। अब लेफ़्ट राइट करो, लेफ़्ट जाओ, राइट लेफ़्ट दोनों तरफ 10-10 बार करना। इसके बाद कान को लगाओ साइड में, कान को लगाओ एक साइड, फिर दूसरी साइड लगाओ, फिर कंधों को संचालन करो। कंधे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कंधों को, सांस लिया ऊपर, सांस छोड़ा नीचे, कंधे रिलीज। कंधों के बाद थोड़ा सा पीछे ऐसे चलाओ कंधों को, 10 बार कम से कम कंधे चलाओ और फिर वापस चलाओ इनको। 10 बार आप पीछे चलाओ, 10 बार आगे चलाओ। कंधे चलने चाहिए पूरे, जिससे कि ये गर्दन का पूरा एरिया आपका रिलीज हो जाए। इसके बाद कंधे चलने के बाद दोनों हाथ यहाँ रखो और चलाओ कंधों को, ये बहुत अच्छा है। फिर वापस चलाओ, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दोनों तरह से चलाना। फिर आप दोनों हाथ आगे ले जाओ ऐसे, और ऐसे लेके ऐसे ले आओ, गुड। सांस लो आगे और सांस छोड़ दो नीचे। फिर पीछे से आगे जाओ, पीछे से यूँ ले जाओ, आगे ले जाओ, तो आपके पूरे कंधे रिलीज हो गए, आपका शोल्डर ब्लेड रिलीज हो गया, आपकी गर्दन रिलीज होगी, तो आपके सर के अंदर सर्कुलेशन ज़्यादा हो गया। इसी में एक एक्सरसाइज हो रहा है, हाथ यहाँ लगा के ये हाथ उधर ले जाओ, ये साइड से बगल पूरी खुलेगी, जितना जा सकते हो। देखो, बुढ़ापे में हड्डियाँ कैडी हो जाती हैं, इसलिए जितना जा सकते हो उतना ही जाना। ज़बरदस्ती मत करना कि ये ज़्यादा गए तो आप भी ज़्यादा जाओगे। आप बिल्कुल धीरे धीरे जाना, ये बहुत फ़ायदा करेगी आपको ये एक्सरसाइज। तो ये तो हुई कुछ छोटी छोटी सूक्ष्म व्यायाम जो आपके अपर बॉडी को रिलीज करेंगी। और अब आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम इसमें बहुत काम करता है। एक नाक से सांस लेनी, दूसरे से छोड़नी, इसमें आप उन्हें सांस नहीं रोकनी, धीरे धीरे सांस जाएगी और धीरे धीरे बाहर आएगी। और इसमें क्या करना, जितना समय लेने में लगाना उतना ही छोड़ने में भी लगाना, फिर दूसरी तरफ से लो और उससे छोड़ो, मतलब लेने छोड़ने में इक्वल टाइम लगना चाहिए आपका। जितना भी सांस लेने में टाइम लगे उतना ही छोड़ने में टाइम लगाओ। और ये कम से कम 5 से 10 मिनट करो, इसका डेमेंशिया में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब आपको मैं कुछ खान पीन बताता हूँ। डेमेंशिया में सबसे ज़्यादा काम करता है घिया का बीज। देखो पहले हमारी जो घिया आती थी उनमें बीज होते थे, हम वो बीज खाते थे घिया के साथ, तो ऐटोमेटिक ब्रेन को ताकत मिल जाती थी। अब हाईब्रिड आ गई, अब आदमी भी हाईब्रिड हो गया, अब वो हाईब्रिड की, अब घिया तो खाली बीज उसमें है नहीं, तो दिमाग को तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं उसका। तो इसलिए उसके बीज आते हैं मार्केट में घिया के, या फिर घिया लो, उससे बीज निकालो, सुखाओ और वो बीज कम से कम 10 से 15 बीज रोज़ डेमेंशिया के मरीज को दो, उससे बढ़िया रामबाण का काम कोई चीज़ नहीं करेगी। अब दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें और हैं, ब्रह्मी बहुत अच्छा काम करती है। ब्रह्मी रसायन भी नाम की वो कैप्सूल भी आते हैं अलग अलग कंपनियों के, लेकिन ब्रह्मी की जो घास लो और उसको रात को कांच के गिलास में भिगो दो, इतना ले लो 20-30 ग्राम और भीगा रहने दो, सुबह उसको छान के और वो पी लो, तो आप ब्रह्मी से आपके डेमेंशिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसके लिए, डेमेंशिया के लिए आपको जो है सर के अंदर रोज़ जो है हल्की हल्की मालिश भी करनी पड़ेगी। हल्की हल्की मालिश से जो सर की नसें हैं वो रिलीज़ होंगी, जब नसें रिलीज़ होंगी तो वहाँ सर्कुलेशन जो है ना, ऊपर का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो अंदर भी मतलब सर में बड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए। और एक मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या है, रात को बैठ के, जब डेमेंशिया हो जाए फिर नहीं कर सकते, लेकिन अगर नहीं और बचना हो तो रात को बैठ के अपने दिन के पूरे काम को देखो, जो ब्रेन का काम ज़्यादा करते हैं उनके लिए है। सुबह से शाम के कामों को देखो तो पता लगेगा क्या भूले, कब आपने क्या किया, कब क्या किया, देखते जाओ देखते जाओ। 5-7 मिनट रोज़ ये मेडिटेशन करो, कभी डेमेंशिया नहीं होगा। आज के लिए इतना ही।